आजकल ना वीडियो वायरल हो रही है, शायद आपको भी पता हो कि उसमें दिखाया गया है कि जब बच्ची आपके पास आपके हवाले की गई थी तब वो चल के गई है, क्या इसके पीछे क्या मामला सर बताएंगे? तो मैं दादी अम्मी मेरी लत्ता भी कोई नहीं साथ दे रही, चले नहीं जा रहा, तो मैं वैसे मैं पकड़ के ना बड़ी खिच तू के उन्होंने लिया अपनी हिम्मत से लैके, वो मैं पीछे भी हथ रखा तो कुड़ी चीका कुका मारे, अम्मी मेरे पीछे भी ना पीछे भी मेरे सारे जख्म है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मियां आतिफ, आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ 14 साल बच्ची रिजवाना जिस पर तशद्दुद किया गया था उसके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाला जी मुझे बताएं अब जो रिजवाना है उसकी कैसी तबीयत है? अभी तो कोई नहीं है, उन्होंने एक हिसाब से सारा मास उतार देता, उन्होंने बिल्कुल साफ कर देता, उन चार दिन बाद कह रहे ने फिर मास जितू जितू उतार के लावेंगे, पीछे भी तो सिरते भी लावेंगे, तो अजय पई है कोई नहीं भाई, दवाइयाँ दवाइयाँ जड़ियाँ दी सुती हुई है, गल्ला गुल्ला कर रही है, जाग आई उस टाइम बस अम्मी अम्मी किया मैंने, बस फिर लेट गई है। इस तो पहले हो रही है जो तकलीफ हो, इस तो पहले उन्हें गल्ला की थी? हाँ जी करती सी गल्ला थोड़ी बहुत मेरे जिस टाइम दिल करता कर लेने, नहीं तो नहीं करता। ज़्यादातर की तुम कह रही है? कह रही सी इंसाफ लेना, जिस तरह मेरिया लत्त तोड़िया बाजू तोड़े उन्हें दसिया ना भाई भी असं फड़ा आए, वो कहती उसी तरह लत्त तोड़नी उसी तरह बाजू तोड़ना उसी तरह पीछे से कमर ज जख्म लैना उसी तरह सिर ठीक करना, बच्ची तो यह कहती है मैंने। एक आजकल ना वीडियो वायरल हो रही है, शायद आपको भी पता हो कि उसमें दिखाया गया है कि जब बच्ची आपके पास आपके हवाले की गई थी तब वो चल के गई है, क्या इसके पीछे क्या मामला सर बताएं? चल के नहीं गई, वो तो मैं दस रही हाँ, मैं हकीकत दसिया उसकी उस टाइम हालात बहुत मंदी सी, मैं तो हाथ जोड़ के उन्हां कोलों जिहड़े कलेंडर नहीं हुंदे उन्होंने हाथ जोड़े उन मैं कहा मेरी बच्ची उत्ते करवा दिओ, मेहरबानी मेरे को नहीं चक्की जाती उसकी तबीयत, उन्होंने भी वेखी वाकई उसकी सीरीयस सी कि वो बच्ची चीकां कूकां मारती सी खुद आप, तो इन्होंने जिन्हें सारे बासा लैने नहीं वेखे वो जख्म भी वेखे सट्टा भी वेखिया न जो उन्होंने हालात बहुत स्मैल वो को आ रही थी उस टाइम। किन्ने बजे गए थे, कौन सा दिन था? इतवार का दिन सी, तो तकरीबन 2 बजे उत्थे मैं पहुंची हाँ, 2 बजे इतों चली 7 बजे उत्थे पहुंची, उतों फिर मैं 9:30 का इन्होंने मेरे को बच्ची दिती, 8 बजे मैं फोन किया दोबारा, फिर 9 बजे किया, 9 बजे तो उत्ते को टाइम मेरे को बच्ची मौजूद हुई मेरे को आई, फिर उस तो बाद मैं 5 मिनट के ना अपना जहन बंद सोच के भी मैं घर जाना भी जल बच्ची जल्दी लैके अस्पताल जावा, फौरी मैं टिकट वगैरह कराई, पहले मैं टैक्सी ने पूछा, टैक्सी वाले भी दसनगे भी वाकई बच्ची उस जनानी पूछती फिर दी टैक्सी किन 15,000 मेरे को मंगया टैक्सी वाले ने सरगोदे जाने, तो मैं कह इन्नी तो मेरी रेंज ही नहीं, तो मैं 15,000 कितों देना तुहानू, मैं फिर भाई टिकट ही कराई है, टिकट करा के 2 सीटा लाइया, सारे रस्ते मैं खड़ी उत्ते ना रोंदी कलांदी आई, मेरी बच्ची रोंदी रही, मैं देख के उदे आलो मैं आप तड़प रही सी। जो तुसी उन्हें फर्स्ट टाइम देखा सी 9 बजे 7 बजे 9 बजे उदी हालत कैसी सी? बहुत सीरीयस, मैं कह रही हाँ भी ऐ नहीं, मैं जे जिस टाइम वेख्या ना चेहरे दा ही तो मेरा अपना रंग उड़ गया, बच्ची दा वेख के मैं कह अखियां भी निकल गई मेरी बच्ची दी, तो मैं दादी अम्मी मेरी लत्तां भी कोई नहीं साथ दे रही, चलिया नहीं जा रहा, तो मैं वैसे इंज मैं पकड़ के ना बड़ी खिच तू के उन्होंने लिया अपनी हिम्मत से लैके, वो मैं पीछे भी हथ रखा तो कुड़ी चीका कूका मारे, अम्मी मेरे पीछे भी ना पीछे भी मेरे सारे जख्म है, तो वो बंद तो मैं नहीं ना बच्ची कपड़े उतार के देख सकती सी, फिलहाल मैं कह मेरी धी घर चली, वो कह रही अम्मी उन्हें बाजी ने यह किया मैंने अम्मी नाल कोई गल नहीं दसनी, नहीं तो तुम दोवें मावं धीन इतें ही मार देना तुम घर नहीं पहुँचोगे, बच्ची मेरी खौफजदा सी, मैं भी कोई फिर मैंने दसिया तो मैं भी डर गई भी असी मैं अकेली हूँ तू भी अकेली है, जो मार के सुट दिता तो बंदे मेरे नाखण पनी वो गई है गुम हो गई, उन्होंने नहीं पता घर बूए का तो ना ही कहीं पता नहीं कितने की कितने हो गई है, टेंशन बने मार के सन सुट दें दस अपनी बच्ची को पहुंचे हड्डियाँ वगैरह हर चीज टूटी हुई सी, वो डॉक्टर भी दसन दे ताज़ी टुटी का भी पता चल जाता है, 6 महीनों 7 महीनों की चीज़ का टुटी का पता लगता, डॉक्टर सारी रिपोर्ट लै लें, नहीं एक सोचने में एक चीज़ आ रही है, एक बंदा जो कोई भी एमरजेंसी होती है माँ बाप की कोशिश होती है कि उन्होंने उसी जल्दी 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 जो लागे हॉस्पिटल है उत्थे लै जाइए, तो आया मेरे जिन च आया मैं इतने ही लाया, फिर मेरे जिन च आया मैं कली हाँ कहीं मैं जनानी मेरा पीछा कर दी हो मैंने मरवा ही ना दे रास्ते से मेरी बच्ची ने कुछ करवा दे, मैंने एक खौफ सी, तो अजय गड्डी के बच्चे भी जे एम्बुलेंस वाले नहीं बंदे आते जिते मोटर वेते
उन्होंने बंदा उत्थे बुला के उन बंदा कोई वाकफ से उन्होंने उन्होंने उत्थे बुलवा के वह एंबुलेंस मेरी बच्ची दे पट्टियां पुट्टियां दवाइया दवाइया दित्तियां उन्होंने उस सीट मैं वह उन्होंने भी अगे वह भी कहें तेन वापस लै जाने तेरी बच्ची बहुत सीरीयस है ना ले जा कद मर ना जाए रास्ते से तो मैं गड्डी वाले भी कहें बाजी टेंशन ना लै तू ये ना समझ मैं ड्राइवर हाँ मैं मेरी बड़ी पहुँच है तो बच्ची कवें तो असं अस्पताल लै जाने असं घंटे दो घंटे लेट चले जावे बच्ची तेरी लै जा सारी गड्डी वाले मुतमेन हो सारे कहें लै चलो जो जाती है मैं उन्होंने अगे हाथ जोड़िया मैं मैं नहीं जाना वापस मैंने सरगोधे पहुँचा दो जिनी जल्दी हो मेहरबानी थोड़ी मैंने सरगोधे पहुँचाओ सरगोधे लै गए हो सरगोधे मैडिकल अटैक किया उन्होंने की दसिया तैन उन्होंने कहा है तो इतने तो है ही नहीं लाहौर ले जाना पैना उन्होंने उन्होंने ही लाहौर भेजा भी बच्ची तो बहुत सीरीयस है साढ़े को इलाज कोई नहीं हड्डी टुटी उन्होंने देखी वो जो एक्स लाते हैं पूरी बॉडी का वो लवाया उन्होंने आख्या भी यदि हड्डी टुटी हुई ये फ्रैक्चर बहुत ये सूडे पैन कीड़े पैन पिछे भी कीड़े पैन अंदर भी है जगह सारा कीड़े ना भरया तो उन्होंने ही करना सर्जरी वगैरह भेजा गड्डी भी उन्होंने एंबुलेंस भी सन दी तोड़ छोड़ के गई और भी कुछ वो जो बता रहे हैं जो उनके वकील हैं जो उन्होंने वीडियो वगैरह देखी है उन्होंने क्या कही जो खाद की मट्टी वगैरह इन लोगों ने पता नहीं ऐसे खुद दी है इसमें कोई है कुछ सदाकत के झूठ है खुदा दे नजर कहनी है मैं तुसी जिन्हें जमा हाँ तो जड़ी हूँ मेरी सुनो बच्ची तो है एड्डी सारी तो है नहीं भी छोटा बच्चा दो साल का हो चल मिट्टी चक के खा लेगा बड़ी सारी बच्ची है उन्हें मिट्टी खा वो मैं उन मिट्टी का ही पूछा अम्मी आदि मैं कुछ नहीं खादा ये मेरे मार सारी चोटा मार दियाँ अच्छा चलो मिट्टी कोई जख्म आते हैं जख्म हो जाते मिट्टी खान मैनू दो मैं कि खादी हाँ इन्नी खवा दो मैं दे दी मेरे जख्म आते जो मेरे अंदर जख्म हो जाते बाहर हो जाते उन्होंने अंदर भी डॉक्टर ने कैमरा पा के चेक किया ये अंदर खुराक कोई नहीं है इस बच्ची के अंदर तो यह फेफड़े भी खत्म होए पैन भी पी मार मार के ना ऐसे जबर लगे पंदर वह इलाज पहले उन्होंने किया बच्ची का ऑक्सीजन का बार बार लाते बार बार ला लगा रहा तो इसलिए वह सांस का पहले मसला हल किया फिर उन्होंने सिर का किया मसला हल फिर हम अज उन्होंने पिछला किया तो कुड़ी मेरी बहुत लात वो मेरी बच्ची मर रही जी रही है बार बार टॉर्चर हो रही है भी अस्पतालों तो भी तो मैं कहनी वह भी बीबी इंजी टोर्चर